तीन तलाक और भ्रूण हत्या मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी पति पर धमकाने का आरोप लगा है। थाना शाहगंज पहुंची पीड़िता ने पति पर तेजाब फेंकने की धमकी देने का आरोप लगाया है और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। तीन तलाक का दंश झेल रही रानी को अब जान का खतरा लगने लगा है। थाना सागंज पर सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए रानी पहुंची। रानी का कहना है कि उसका पति तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। मेरी शादी 13 दिसंबर को हुई थी, 14 महीने हो चुके हैं शादी को। शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वाले बहुत मुझे मारा पीटी करते थे, तंग करते थे, दहेज की मांग करते थे। क्या मांगते हैं दहेज में? 10 लाख रुपए लेकर आओ और अपने भाई से एक प्लॉट लेकर आओ। जी धमकी दे रहे हैं मेरे जेठ देवर, मेरे शौहर के, ये मुकदमा वापस ले लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे, तेजाब डालेंगे तुम्हारे ऊपर और मेरे भाइयों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नाम क्या क्या उनके जो लोग परेशान करते हैं आपको? ये मेरे जेठ हैं साकिर, शाहिद, सानू, बंटू, मेरे दो देवर हैं आसिफ, हासिम, मेरे ससुर हैं हाजी वाले, मेरी सास मुसर्रत और मेरी नंद हिना गुलाबशा जी, मेरे शौहर का नाम है नवीद कुरैशी। दरअसल रानी ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक और भ्रूण हत्या का मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज होने के बाद पति अब धमकाने लगा है। रानी का कहना है कि उसे अपनी जान का खतरा है, ऐसे में पुलिस आरोपी पति को गिरफ्तार नहीं कर रही है जिससे वो कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। राकेश कन्हौजिया, सी न्यूज, आगरा।